नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में। थायराइड की प्रॉब्लम दिनों दिन बढ़ती जा रही है और ज़्यादातर महिलाओं में ये सबसे ज़्यादा होती है। तो थायराइड की प्रॉब्लम्स के बारे में मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है कि हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है, हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में दोनों वीडियो की लिंक दे रखी है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में, मतलब कि किसी पेशेंट को थायराइड की प्रॉब्लम है और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाता है तो में जो थायराइड हार्मोन का नॉर्मल रेंज कितना होना चाहिए उसके बारे में मैं आज आपको बेसिक जानकारी दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, थायराइड फंक्शन टेस्ट समझने से पहले मैं आपको थायराइड के बारे में बेसिक जानकारी दे देता हूँ। थायराइड हमारे शरीर में एक ग्लैंड होती है जिसे हम हिंदी में कहते हैं ग्रंथि, ठीक है। ये ग्रंथि हमारे नेक के या इस वाले पोर्शन में प्रेजेंट होती है, ठीक है। इसका जो आकार है वो तितली के आकार का होता है, मतलब कि बटरफ्लाई शेप की ये होती है। और इस ग्लैंड के द्वारा दो हार्मोन सीक्रेट होते हैं जिसे हम कहते हैं T3 हार्मोन और T4 हार्मोन, ठीक है। T3 हार्मोन का पूरा नाम है ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन और T4 हार्मोन का पूरा नाम है टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन, और इसे हम थायरोक्सिन हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। ये जो थायरॉइड ग्लैंड है वो रेगुलेट होती है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। आप सभी लोग जानते होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो हमारे शरीर की सभी ग्रंथियों को रेगुलेट करती है, ठीक है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसे हम कहते हैं THS हार्मोन, और THS हार्मोन का पूरा नाम में थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन पिट्यूटरी से सीक्रेट होकर जाता है थायराइड ग्लैंड के ऊपर और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है, जिसके द्वारा थायराइड जो ग्लैंड है वो दो हार्मोन सीक्रेट करती हैं, T3 हार्मोन और T4 हार्मोन। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस होता है कि किस टाइप से थायराइड जो हार्मोन है वो सीक्रेट होते हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि थायराइड हार्मोन का हमारे शरीर में क्या फंक्शन है। तो हमारे शरीर में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। हमारे शरीर की जो कार्डियोवैस्कुलर स्टिमुलेशन के लिए भी सहायक होता है थायराइड हार्मोन, जिससे हमारे शरीर की BP है, हार्ट रेट है, वो भी मेंटेन रहती है, रेगुलेट रहती है। और हमारे शरीर की नर्व सेल को ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड हार्मोन बहुत बड़ी भूमिका अदा करता है। हमारे शरीर के जो बेसल मेटाबॉलिक रेट है BMR रेट को भी रेगुलेट करता है, और हमारे शरीर के सेल्स टिश्यू उसकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए भी थायराइड हार्मोन जो हैं वो बहुत बड़ा सहायक हैं, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस टाइप से कई सारे ऐसे फंक्शन हैं जो थायराइड हार्मोन हमारे शरीर में भूमिका महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं थायराइड हार्मोन की नॉर्मल रेंज क्या होनी चाहिए। जब भी कोई पेशेंट थायराइड हार्मोन का टेस्ट करवा के आता है तो उसकी जो रिपोर्ट होती है, ब्लड रिपोर्ट होती है, उसमें थायराइड हार्मोन को कैसे देखा जाए, तो उसमें मैं खास तौर पर तीन लेवल को देखा जाता है, THS लेवल, T3 लेवल और T4 लेवल को देखा जाता है। THS लेवल की जो नॉर्मल रेंज है वो 0.27 से लेकर 4.0 माइक्रो इंटरनेशनल यूनिट पर ML के बीच में होनी चाहिए। और T3 का जो नॉर्मल रेंज है, मतलब कि ट्राइआइडोथायरोनिन हार्मोन के जो नॉर्मल रेंज है वो 0.8 से लेकर 2.0 नैनोग्राम पर ML के बीच में होनी चाहिए। और T4 हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज है, मतलब कि टेट्राआइडोथायरोनिन हार्मोन की जो नॉर्मल रेंज है वो 5.1 से लेकर 14.1 माइक्रोग्राम पर डेसीलेटर के बीच में होनी चाहिए। तो इस टाइप से ये नॉर्मल रेंज को देखा जाता है, इसमें खास तौर पर THS, T3 और T4 लेवल को ही देखा जाता है। दोस्तों, अभी आपको समझने की ज़रूरत है कि अगर किसी पेशेंट ने थायराइड फंक्शन टेस्ट करवाया है, उसकी रिपोर्ट में T3 और T4 का लेवल नॉर्मल रेंज से कम बता रहा है और THS का लेवल अगर ज़्यादा बता रहा है, तो उस पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, उसको थायराइड हार्मोन की कमी की प्रॉब्लम है, ठीक है। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा कि ये THS लेवल ज़्यादा क्यों बताता है। तो देखिए, समझने की कोशिश कीजिए कि जब भी हमारे शरीर में T3 और T4 का लेवल कम होता है तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई बॉडी में T3 और T4 का लेवल कम हो गया है, तो आप THS लेवल को बढ़ाइए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड THS लेवल को बढ़ाता है, और उस समय ब्लड टेस्ट करवाते हो तो आपके ब्लड रिपोर्ट में, मतलब कि थायराइड फंक्शन की जो रिपोर्ट होती है, उसमें THS लेवल ज़्यादा होता है और T3 और T4 का लेवल कम बताता है। तो अगर किसी पेशेंट की रिपोर्ट में T3 और T4 का लेवल कम बता रहा है और THS का लेवल नॉर्मल रेंज से ज़्यादा बता रहा है, तो आपको समझ लेना है कि पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। दोस्तों, अभी इसी का उल्टा, अगर किसी पेशेंट की थायराइड रिपोर्ट है, अगर उसमें T3 और T4 का लेवल ज़्यादा आ रहा है और THS का लेवल कम आ रहा है, तो उस पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है।
अब आपको समझने की कोशिश करनी होगी कि जब भी हमारे शरीर में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा होता है तो शरीर ऑटोमेटिक सिग्नल भेजता है पिट्यूटरी ग्लैंड को कि भाई बॉडी में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा हो गए हैं, आप THS लेवल का सिक्रेशन कम कीजिए। तो उस समय जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो THS के लेवल को सिक्रेशन कम करती हैं, तो हमें जो रिपोर्ट आती है उसमें THS लेवल कम और T3 और T4 का लेवल ज़्यादा आता है। तो समझने की कोशिश करनी होती है, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट होता है कि अगर किसी पेशेंट के शरीर में T3 और T4 का लेवल कम आ रहा है, THS का लेवल अगर ज़्यादा आ रहा है तो पेशेंट को हाइपोथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है, और अगर किसी पेशेंट के शरीर में T3 और T4 का लेवल ज़्यादा आ रहा है और THS का लेवल अगर कम आ रहा है तो पेशेंट को हाइपरथायरॉयडिज्म की प्रॉब्लम है। एक सिंपल सा कंसेप्ट होता है, सबसे ज़्यादा लोग कन्फ्यूजन में होते हैं। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको थायराइड फंक्शन टेस्ट के बारे में एक बेसिक जानकारी मिली होगी। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सामने लगे बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिए और उसको ऑल कीजिए। ऑल करने से क्या होता है कि जो भी हम वीडियो डालेंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। और चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।